स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आप लोग देख रहे हैं अमन टेच इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखा रखा है और बता भी रखा है कि अगर जो आप यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, अगर आपने यहाँ पे अल्ट्रा प्लान लिया है नहीं लिया है, सारा कुछ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा और यहाँ पे आपको वीडियो देखने में और किस किस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यही चीज़ आपको ध्यान देना है और आप सिंपली कस्टमर केयर तक बात करने के लिए पहुँच जाएँगे। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं थोड़ा भी न देर करते हुए। सिंपली क्या करना है आपको इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे आपको फेम पे सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक पहले ऑप्शन मिलता था हेल्प एंड सपोर्ट का। पहले आप इसको स्टार्टिंग से दिखा देते हैं आपको। पहले हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलता था बट अभी यहाँ पे इतने ऑप्शन आ गए ना कि आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एक्स वाले पे। और यहाँ पे आप क्लिक करते हुए आओगे आपको यहाँ पे देखिए मिलता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। पहले हेल्प एंड सपोर्ट था, अब कॉन्टैक्ट सपोर्ट हो गया है। सेफ्टी टिप्स में भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आप OTP किसी को शेयर ना करें। ठीक, कॉन्टैक्ट सपोर्ट में आप क्लिक करोगे इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माई अकाउंट, माई फेम पे, पेटीएम, गिफ्ट अकाउंट अपग्रेड, रिपोर्ट और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। लेकिन आपको अगर केयर से बात करना है, आपको कॉलिंग पे बात करना है तो वो आप कैसे करोगे, अब वो आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बात करके भी उसमें सुनाऊँगा। तो इस वीडियो को आप देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें आपको अकाउंट सारा कुछ ऑप्शन जैसे मैंने पढ़ के बताया था तो मैंने माय अकाउंट पे क्लिक कर दिया है। और ये क्लिक करने का आपको रीज़न मैं बताता हूँ कि आप जब तक इनसे मतलब ज़्यादा आपका सिंसियर कोई रीज़न नहीं होगा तब तक ये लोग बात नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऑप्शन ट्राई किया उसके बाद मुझे वो मिला। तो शायद आप भी ये चीज़ ट्राई करके और यहाँ पर एजेंट तक कॉल करने के लिए इनेबल हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए आपको धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी चैट्स मैं कर रहा हूँ वो आपको फॉलो करने हैं अपने। अगर आपने दो मोबाइल रखे हैं या अदर मोबाइल में किसी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए और यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे कस्टमर केयर से बात करने के लिए। पहले तो इन्होंने कहा कि आप स्क्रीन शॉट को ही सर अपलोड कर दो जिससे हम यहाँ पर देख के आपको यहाँ पर चैट में ही बता देंगे। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ पर आपसे बात करनी ही करनी है। तो मैंने यहाँ पर मेरा कार्ड जो है वो नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उसके थ्रू यहाँ पर कॉल मिलाया था। तो यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे सिंपली आपको दे रहा है कि आप प्रोफाइल से सर अपना अगर ट्रांजेक्शन वगैरह फंसा है आप यहाँ पे भेज दो, हम लोग चेक करके और बता देंगे। मैंने कहा नहीं मैं यहाँ सर्टिफाइड नहीं हूँ, यहाँ पे लिखा है आई वांट कनेक्ट विथ एन एजेंट। तो मैं कहा मैं बात करूँगा एजेंट से, तो मैंने फिर आई वांट कनेक्ट विद एजेंट पर क्लिक कर दिया। जब मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर तुरंत आ गया यहाँ पर चैट, लाइव चैट आप कर सकते हो या आपको कॉल बैक किया जाए। तो मैंने रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक कर दिया और मुझे उसके 10 मिनट भी नहीं लगे, मतलब मान के चलिए 2-3 मिनट लगा मुझे कॉल आ भी गया। और उस कॉल से मुझे मतलब पूरी तरीके से मैंने बात किया, बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया और मेरा कार्ड जो था उसके बारे में भी मुझे जानकारी दी कि कब तक आ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो, अपग्रेड अकाउंट कुछ भी, नेम वगैरह सब कुछ, आप इनसे सिंपली जाइए बात करिए और पूछ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लाइव अगर आपको देखनी है कि बात मैंने कैसे किया था तो वो वीडियो आपको आई बटन में लास्ट में और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा वॉइस डाला हुआ है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।